नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में रेत ढो रहे डंपर ने पैदल जा रहे एक 50 साल के व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हल्का सा बल प्रयोग करके जाम जो है खुलवा दिया गया। बॉडी कहाँ पर गई है इस समय? बॉडी मर्चरी पे गई है। वैसे यहाँ पर अवैध खनन, रेत खनन हो रहा है पिछले लंबे समय से, और नो एंट्री में गाड़ी भी आ जाई है। किस तरह से लापरवाही है और आगे किस तरह से खनन का पट्टा है, उसका रजिस्टर्ड पट्टा है, और इसमें और कोई शिकायत होगी तो उसकी जाँच कराई। पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया, क्या कार्रवाई की जाएगी? इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रेता से भरने के लिए वापस जा रहा था डंपर, लेकिन इन्होंने पिताजी हमारे वापस जा रहे थे, इन्होंने चढ़ा दिया। कई बार आ रहे थे उसके, लेकिन इन्होंने कभी कोई इस बात पे गौर नहीं किया है। अब आज हमारे पिताजी इस बात में गुजर बस अब आप लोग क्या करेंगे? हम साहब चाहते हैं, पिताजी तो हमारे विकलांग थे, हमारी माता जी का थोड़ा बहुत सहारा हो जाए तो सही है। डीएम वगैरह बंद हो जाए तो बढ़िया है। बंद होगा, ठेका बंद होगा, ठेका बंद होगा, पूरा मोहल्ला परेशान है। आज हमारे साथ हुआ कल और रोड डेली होता रहता है, रोड डेली कोई ना कोई दाला बचता ही रहता है। रोड की हालत है।